नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च हुए स्कोडा रैपिड के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए सारी जानकारी के लिए। खैर, अभी के लिए स्कोडा रैपिड ने अपने चार मॉडल्स उतारे हैं बाजार में। यहाँ पे आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक चार मॉडल्स मिलते हैं। खैर, इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके चारों मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस, फीचर डिटेल्स और प्राइस डिटेल्स के बारे में। खैर, अगर आप लोग इस लॉन्च के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस डिटेल्स की कि इसमें आपको ऑन रोड प्राइस क्या मिलती है इन चारों ही वेरिएंट्स की। तो इसकी पहली वेरिएंट का नाम है ओनिक्स 1.6 MPI LE, जो कि पेट्रोल गाड़ी है और यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलती है और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको लगभग पड़ती है 11,24,000 रुपए की। दूसरी है ओनिक्स 1.6 MPI ऑटोमेटिक LE, ये एक पेट्रोल गाड़ी है और ये आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ती है लगभग 12,96,000 रुपए की, मतलब 12,96,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो तीसरी गाड़ी आती है उसका नाम है ओनिक्स 1.5 TDI LE। तो यार, ये डीजल गाड़ी है और ये आती है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 13,45,000 रुपए की। और चौथी और लास्ट वेरिएंट है इसकी ओनिक्स 1.5 TDI ऑटोमेटिक LE, ये एक डीजल गाड़ी है और ये आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ और इसकी प्राइस आपको पड़ती है ऑन रोड लगभग 14,77,000 रुपए, यानी 14,77,000 रुपीज। तो चलिए बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ और बहुत ही तेजी से बात करते हैं फीचर्स में आपको इन सारी गाड़ियों में क्या क्या मिलता है। यार, फीचर्स के मामले में आपको चारों ही गाड़ियों में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ही गाड़ियों में सीट बेल्ट वार्निंग और दो दो एयरबैग्स मिलते हैं। सभी गाड़ियों में आपको ABS, EBD, BA यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीजें आपको चारों गाड़ियों में मिलती हैं। इसके अलावा इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको सारी गाड़ियों में मिलती हैं। इसके साथ स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको सारी गाड़ियों में कॉमन मिलती है। बात करें अगर कंफर्ट की, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलती है सभी गाड़ियों में और सभी गाड़ियों में आपको रियर AC मिलती है। इसके अलावा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलती है, रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और सभी गाड़ियों में आपको सिंगल 12V पाउटलेट्स मिलते हैं। इसके अलावा हेडलाइट ऑफ एंड इग्निशन की ऑफ रिमाइंडर मिलता है और हीटर भी आपको सारी गाड़ियों में अवेलेबल है। अगर बात करते हैं सीट्स अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आपको सीट अपहोल्स्ट्री सभी गाड़ियों में फैब्रिक मिलती है। इसके अलावा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप्ड गियर नॉब आपको सारी गाड़ियों में मिलते हैं। सभी गाड़ियों में आपको ड्राइवर सीट जो है वो आपको मिलती है मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट। वहीं बात करते हैं पैसेंजर्स की, यानी कि फ्रंट पैसेंजर की, तो ये सीट आपको मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। इसके अलावा अगर बात करते हैं ड्राइवर आर्मरेस्ट की या फिर बात करें पीछे की यानी कि रियर आर्मरेस्ट की, तो ये दोनों चीजें आपको चारों गाड़ियों में मिल जाती हैं। इसके अलावा डुअल टोन का इंटीरियर आपको सभी गाड़ियों में मिलता है। वहीं बात करते हैं हेडरेस्ट की, तो ये चीज आपको फ्रंट और रियर दोनों ही के लिए मिलती है। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज आपको सभी गाड़ियों में अवेलेबल है। वहीं बात करते हैं कप होल्डर्स की, तो ये चीज आपको फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स में मिलती है। अगर बात करते हैं पावर विंडोज की, तो ये चीज आपको सभी गाड़ियों में मिलती है फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ। वहीं बात करते हैं वन टच डाउन एंड वन टच अप की, तो ये चीज आपको सभी के लिए मिलती है सभी गाड़ियों में। इसके अलावा अगर बात करते हैं ORVMs की, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs दिए गए हैं सभी गाड़ियों में। इसके अलावा रियर डिफॉगर, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM और रिमोट कंट्रोल बूट लिड ओपनर आपको सभी गाड़ियों में कॉमन मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं एक्सटीरियर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड बंपर्स एंड रूफ माउंटेड एंटेना, ये दोनों चीजें कॉमन मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं लाइटिंग की, तो यहाँ पे आपको हेड लैंप्स और टेल लैंप्स सभी गाड़ियों में कन्वेंशनल ही मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं फॉग लैंप्स और केबिन लैंप्स की, तो ये आपको फ्रंट और रियर दोनों के लिए मिलता है सभी गाड़ियों। इसके अलावा लाइटिंग सेक्शन में आपको रियर रीडिंग लैंप भी सभी गाड़ियों में कॉमन मिलता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। यहाँ पे आपको लगभग चीजें बराबर मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर फॉर वन ट्रिप, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर रिजर्व वार्निंग, एनालॉग टैकोमीटर और इंस्टेंटेनियस कंजप्शन, ये सारी चीजें आपको कॉमन मिलती है चारों वेरिएंट्स में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर दिखता है क्योंकि यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर एंड शिफ्ट इंडिकेटर केवल डीजल वेरिएंट्स में ही मिलता है, ये चीज आपको पेट्रोल वेरिएंट में नहीं मिलेगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम मिलता है सभी गाड़ियों में। यहाँ पे आपको लगभग सारी चीजें सभी गाड़ियों में कॉमन मिलती हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम, या फिर बात करें हेड यूनिट साइज 2 इन की, तो यहाँ पे ये सारी चीज भी आपको मिलती है। इसके अलावा टच स्क्रीन डिस्प्ले, चार स्पीकर्स मिलते हैं आपको सभी गाड़ियों में। और बात करते हैं अगर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की, तो ये सारी चीजें भी आपको सभी गाड़ियों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा USB AUX ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा MP3 प्लेबैक और CD प्लेयर भी आपको सभी गाड़ियों में कॉमन मिलता है। वारंटी की बात करें, तो वारंटी भी आपको सभी गाड़ियों के लिए बराबर मिलती है। 4 साल की वारंटी मिलती है और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। तो भाई, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि फीचर्स में आपको क्या चीज मिलती है इन चारों ही वेरिएंट्स में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपको क्या चीजें मिलती हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इन द सेंस, हम लोग बात करने वाले हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, टायर्स के बारे में, व्हील्स के बारे में,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं डायमेंशंस की, तो यहाँ पे आपको लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में चारों गाड़ियां बिल्कुल बराबर मिलती हैं। वहीं अगर बात करते हैं बूट स्पेस की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 460 लीटर यानी 460 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है सभी गाड़ियों में। और बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 55 लीटर की यानी 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं इंजन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आपको 1598 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है पेट्रोल वेरिएंट्स में। 1598 का मतलब होता है 1598 सीसी का। वहीं 1498 सीसी का आपको डीजल इंजन मिलता है डीजल वेरिएंट्स में। यहाँ पे आपको 100 सीसी का यानी 100 सीसी का अंतर मिलता है। पेट्रोल वेरिएंट की जो आपको मैक्सिमम पावर मिलती है वो मिलती है 104 bhp एट द रेट ऑफ 5200 आरपीएम। वहीं डीजल वेरिएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 109 bhp एट द रेट ऑफ 4000 आरपीएम की मैक्सिमम पावर मिलती है। 153 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 3750 आरपीएम की आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलती है पेट्रोल वेरिएंट्स में। वहीं बात करते हैं डीजल वेरिएंट के मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहाँ पे आपको मिलती है 250 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1500 आरपीएम। चलिए बात कर लेते हैं माइलेज सेक्शन की, तो माइलेज सेक्शन में आपको सभी गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। पेट्रोल मैनुअल की माइलेज है 15.41 यानी कि लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर की। वहीं बात करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक के माइलेज की, तो यहाँ पे आपको मिलती है 14.84 यानी लगभग 14 से 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है इसमें। डीजल मैनुअल वेरिएंट की आपको माइलेज मिलती है 21.13 किलोमीटर पर लीटर यानी कि 21 किलोमीटर प्रति लीटर। वहीं 21.72 किलोमीटर पर लीटर यानी लगभग 21 से 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज आपको मिलती है इन डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। चलिए बात कर लेते हैं गियर्स की, तो यहां पे आपको 5 गियर्स मिलते हैं इन मैनुअल वेरिएंट्स, चाहे बात करते हैं पेट्रोल की या फिर डीजल की। और अगर बात करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक की, तो यहां पे आपको 6 गियर्स मिलते हैं। और अगर वहीं बात करते हैं डीजल ऑटोमेटिक की, तो यहाँ पे आपको 7 गियर्स मिलते हैं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियाँ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव कार मिलती हैं। और बात करते हैं इसके ब्रेक्स की, तो आगे की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स। इसके अलावा सभी गाड़ियों में आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं हमारे मिनिमम टर्निंग रेडियस के बारे में, तो यहाँ पे आपको सभी गाड़ियों में 5.3 मीटर की मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है। सभी गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं और स्पेयर व्हील आपको स्टील की मिलती है। टायर साइज की बात करें, तो 195/55 R16 की टायर साइज मिलती है सभी गाड़ियों में। तो यार ये वीडियो बनाया गया था ऑल अबाउट न्यूली लॉन्च्ड स्कोडा रैपिड 2018 के बारे में। तो यार ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं था। अगर आप लोग स्कोडा रैपिड की ही कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं, तो लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोग किससे इसका कंपैरिजन कराना चाहते हैं। और यार अगर आप लोगों को इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा जानना है इसके बारे में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ डेली देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और यार अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे, क्योंकि वहां पे यूनिक पोस्ट आती रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।